अफगानिस्तान की सूरत हाल के पेश नज़र पाकिस्तान ने इंसानियत का मुजाहिरा करते हुए अमेरिका को बड़ी ऑफर दी थी। बेशक अमेरिका ने हमेशा पाकिस्तान की पीठ पर छुरा ही घोंपा है। रूस के खिलाफ भी पाकिस्तान ने अमेरिका का साथ दिया, लेकिन जब जंग खत्म हुई अमेरिका वापस गया तो पाकिस्तान पर ही पाबंदियां लगा दी गईं। अफगान वॉर में भी पाकिस्तान ने अमेरिका का साथ दिया और 100 अरब डॉलर से ज़ायद का नुकसान हुआ, लेकिन अमेरिका पाकिस्तान को डुमोर कहने से बाज नहीं आया। आज अमेरिका अफगानिस्तान से जा रहा था तो पाकिस्तान ने फिर भी अमेरिका की मदद की। पाकिस्तान ने फौजियों और बाकी अमले के लोगों को पाकिस्तान के वीज़े फराहम किए ताकि जल्दी से जल्दी वो किसी महफूज मुकाम पर पहुंच सकें और वहां से अमेरिका चले जाएं। और यही वीज़ा लेकर अमरीकी फौजी भी पाकिस्तान पहुंचे थे। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या ये लोग अमेरिका से वापस चले गए हैं? हुकूमती ज़राए का कहना है कि तमाम अमरीकी फौजी अपने मुल्क चले गए हैं, अब पाकिस्तान में कोई भी अमरीकी फौजी मौजूद नहीं है। हकूमती ज़राए के मुताबिक 42 रुकनी अमरीकी फ़ौजियों का दस्ता आज पाकिस्तान से रवाना हुआ, जिसके बाद काबुल से पाकिस्तान आने वाले तमाम अमरीकी फ़ौजी रवाना हो गए हैं। पाकिस्तान में अब कोई भी अमेरिका का फ़ौजी मौजूद नहीं। यहाँ वाज़ह है कि एक रोज़ कबल अफगानिस्तान से इनखला के बाद अमरीकी फ़ौजी इस्लामाबाद पहुँचे थे, जहाँ इन्हें वजारत दाखिला ने खसूसी वीज़े जारी करके होटलों में ठहराया था। ये भी कयास आराइयाँ की जा रही थीं कि अमरीकी फ़ौजी कुछ दिन पाकिस्तान में क्याम करेंगे, ताहम वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने अफगानिस्तान से आने वाले अमरीकी फ़ौजियों की पाकिस्तान में तवील मोती मौजूदगी को मुस्तरद करते हुए कहा है कि जो गैर मुल्की मुल्क में क्याम करेंगे इन्हें 21 से 30 दिन के ट्रांज़िट वीज़े जारी किए गए हैं।